गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 में रसायन विभाग कुछ अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर कराएंगे बेटे। आक्सीकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, मतलब वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं अथवा उनसे हाइड्रोजन को विलग करने में सहायक होते हैं, उनमें से हाइड्रोजन को अलग करने में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे कि हमारा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका नाम क्या है, KMnO4-, ये क्या है, एक ऑक्सीकारक है। ये क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विक्रिया करता है, ये ऑक्सीजन देता है या किसी रासायनिक अभिक्रिया में से हाइड्रोजन को अलग करता है, तो ये क्या है, हमारा ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके यह बता सकते हैं कि कोई जल कठोर अथवा नहीं है? नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग उत्पन्न करता है, तो डिटर्जेंट के स्थान पर साबुन द्वारा ऐसा पता लगाना संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, एथेनॉइक अम्ल की संरचना को बताइए। एथेनॉइक अम्ल की संरचना की बात करें, एथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। जब इसकी संरचना को देखेंगे तो हमें संरचना इस प्रकार की बनानी पड़ेगी, और इनमें क्या है, ये जो संरचना बनी हुई है सह संयोजन के कारण बनी हुई है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।